हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप देख सकते हैं आज मैं आपके लिए फिर से एक और टॉय कलेक्शन का वीडियो लेके आया हूं। गाइस आप देख सकते हैं आज मेरे सामने यहां पर रखा है बहुत ही प्यारा बहुत ही बड़ा बॉक्स और इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे यहां पर बहुत सारे रेड कलर के डिफरेंट टाइप के टॉयज। जी हाँ गाइस, आज के इस वीडियो में आपको टॉयज भी दिखाऊंगा और कुछ स्टेशनरी भी दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा बॉक्स है, बहुत सारी छोटी बड़ी सस्ती महंगी बहुत यूनिक टाइप की चीजें इसके अंदर रखी हुई है। वन बाय वन दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ा ही पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं लगातार आपके लिए बनाता रहता हूं। और इतने टॉय में आपको जो भी टॉय पसंद है उसका नाम आपको कमेंट में जरूर लिखना है। सबसे पहला आइटम गाइस मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे पास है मिकी माउस वाला यहां पर एक प्यारा सा पाउच, मेटल क्वालिटी का आता है। यहाँ पे मिकी मिनी बनी हुई है, ये देखो है ना। और यहां से आप इसको ऐसे पकड़ के लटका भी सकते हैं और इसके अंदर ना आप छोटे साइज की चीजें रख सकते हैं गाइस। ये देखो इसके अंदर काफी छोटा स्पेस है, इसके अंदर आप काफी छोटे साइज की चीजें रख सकते हैं। बट जो इसका डिजाइन है ना मिकी मिनी वाला, ये देखने में बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है ना। तो काफी अमेजिंग, काफी यूनिक टाइप का आइटम है ये। और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाता हूं, हमारे पास यहां पर एक डस्टबिन वाले डिजाइन वाला शार्पनर, ये देखो है ना, देखने में डस्टबिन लग रहा है। बट गाइस यहां से ओपन करेंगे तो इसके अंदर शार्पनर लगा हुआ है ना। और यहां से ढक्कन खोल के यहां से आप पेंसिल शार्प कर सकते हैं। और जो इसका डिजाइन है वो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है। और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाता हूं, हमारे पास यहां पे एक प्यारा सा चाबी का छल्ला जो कि नाइकी के शूज वाले डिजाइन में आता है गाइस। ये देखो है ना, नाइकी का शूज होता है ना वैसा इसका डिजाइन है, एयर जॉर्डन आप देख सकते हैं है ना। बट गाइस ये एक चाबी का छल्ला है, बट देखने में कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है। जिनको शूज पहनना बहुत ज्यादा पसंद है ये चाबी का छल्ला उनको जरूर ट्राई करना चाहिए, देखने में बहुत ही क्यूट सा है। और जो इसका कलर कॉम्बिनेशन है ये भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। सो गाइस अगर आपको चाबी के छल्ले यूज करना पसंद है तो ये आपको जरूर खरीदना चाहिए। और इसके बाद गाइस ये देखो हमारे पास यहां पर एक स्पाइडरमैन वाले डिजाइन वाला शार्पनर, ये देखो यहां पे स्पाइडरमैन बना हुआ है। और यहां से ओपन करेंगे तो गाइस ये देखो यहां पे इसके अंदर लगा हुआ है शार्पनर और यहां से पेंसिल डाल के आप पेंसिल को शार्प कर सकते हैं। डिजाइन और कलर आप देख सकते हैं कितना ज्यादा क्यूट है। और हमारे पास है गाइस ये देखो एक प्यारा सा मिकी माउस वाले डिजाइन वाला ज्योमेट्री बॉक्स, फुल प्लास्टिक में आता है, यहाँ पे मिकी माउस बना हुआ है, यहाँ पे मिकी माउस लिखा भी हुआ है। और गाइस ये देखो यहां से इसको घुमाएंगे तो इसका डिजाइन भी चेंज होता है गाइस, ये देखो है ना। यहां से ओपन करेंगे तो गाइस इसके अंदर आपको स्टिकर देखने मिलता है जिसके ऊपर आप अपना टाइम टेबल लिख सकते हैं। और यहां पे देखो पेन पेंसिल कलर होल्डर बना हुआ है, ट्रे को हटाएंगे तो ट्रे के नीचे भी आपको स्पेस देखने को मिलता है ना। मिकी माउस वाले डिजाइन में बहुत ही प्यारा सा ज्योमेट्री बॉक्स है, बट जो इसका डिजाइन है ना बाहर से ये सबसे ज्यादा कूल है, ये देखो है ना, मजा आ गया। और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाता हूं, हमारे पास है डायनासोर वाले डिजाइन वाला शार्पनर, ये देखो यहां पे मेरे हाथ में प्यारा सा क्यूट सा रेड और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में डायनासोर। यहां से पेंसिल डाल के हैंडल घुमाएंगे तो आपकी पेंसिल शार्प हो जाएगी क्योंकि ये एक शार्पनर है। और यहां से सारा कचरा बाहर आ जाएगा, ये देखो इससे मैंने पहले पेंसिल शार्प की थी तो कचरा यहां पे ऑलरेडी है ना। और मैं आपको बता दूं ये शार्पनर है, ये आपको 150 से 200 रुपीज के बीच में मिल जाते हैं। और सबसे अमेजिंग इसकी बात क्या होती है कि इसके अंदर ना ब्लेड नहीं लगा होता, इसके अंदर मशीन लगी होती है जो पेंसिल को शार्प करती है ना। अगर आप मैंने मेरी पहले वीडियो देखे तो मैंने आपको बहुत सारे ऐसे शार्पनर दिखाए हुए हैं, अगर नहीं देखे तो चैनल पे जाके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना गाइस। यहां से पेंसिल डाल के हैंडल घुमाएंगे आपकी पेंसिल शार्प हो जाएगी। और इसके बाद गाइस ये देखो हमारे पास एक बहुत ही प्यारी सी एक टंबलिंग कार, जी हाँ गाइस ये एक टंबलिंग कार है ना, इसको टंबलिंग व्हीकल कहते हैं। मैं इसका एक टायर घुमाऊंगा ना तो गाइस ये देखो सारे टायर घूमते हैं, एक टायर को घुमाने पे सारे टायर घूमते हैं। इसी वजह से गाइस ये बहुत ही अमेजिंग गाड़ी है, इसको आप आगे भी चला सकते हैं, इसको आप पीछे भी चला सकते हैं, इसको आप ऐसे घुमा के आगे पीछे हर एंगल पे चला सकते हैं, चारों तरीके से चलती है। बट सबसे अमेजिंग बात है इसका एक टायर घुमाने पे सारे टायर घूमते हैं है ना। अगर आप इसको किसी दीवार के ऊपर चढ़ाओगे ना तो ये पलट के वापिस से आ जाती है, यही इसकी सबसे ज्यादा अमेजिंग बात है। बहुत ही यूनिक टाइप का टॉय है जो कि आपको 100 से 150 रुपीज के बीच में मिल जाएगा। और हमारे पास है यहां पर ये देखो सबका फेवरेट स्पाइडरमैन का एक्शन फिगर, जी हाँ गाइस ये देखो यहां पे स्पाइडरमैन का फेस बना हुआ है, यहां पे हाथ बने हुए हैं, यहां पर पैर बने हुए हैं। और ये स्पाइडरमैन का बहुत ही प्यारा एक्शन फिगर है, यहां पर बटन दबाएंगे तो इसके अंदर लाइट जलती है गाइस, ये देखो है ना। इसको आप बैठा सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं, एक्शन मोड में ला सकते हैं और देखने में कितना ज्यादा कूल लग रहा है बताने की जरूरत नहीं है। ये आपको 180 रुपीज के आसपास मिल जाएगा, मुझे 180 रुपए का मिला है। बहुत ही प्यारी बहुत ही अमेजिंग पैकिंग के साथ आया था, ये बॉक्स के अंदर था, बॉक्स से मैंने इसको बाहर निकाल रखा है। अगर आपको स्पाइडरमैन मूवी पसंद होती ये एक्शन फिगर आपको जरूर पसंद आया होगा। और इसके बाद गाइस हमारे पास है यहां पर प्यारी सी कुछ इस तरह की गन, ये देखो रेड और ब्लू कलर कॉम्बिनेशन में बहुत ही प्यारी गन है ना। इसके अंदर बैटरी डालनी पड़ती है, ये देखो दो बैटरी मैंने इसके अंदर डाल रखी है। और इसके अंदर से बहुत ही प्यारा म्यूजिक आता है, ये देखो और यहां पे इसके अंदर लाइट भी जलती है, ये देखो है ना। अंधेरे में आप देखोगे तो इसके अंदर से ना आपको एक करेक्टर भी दिखाई देगा, ये देखो मेरे हाथ पे आप देख सकते हैं, ये देखो जो कि इसके आगे से बाहर आता है यहां से, ये देखो है ना, बहुत ही प्यारी गन है। साउंड आप इसका सुन सकते हैं, छोटे बच्चों के खेलने के लिए ना इससे बढ़िया चीज कोई हो ही नहीं सकती, ये देखो
सबसे अमेजिंग बात है, इससे खेलने से साउंड जो आ रहा है ना बिल्कुल रियल गन जैसा लग रहा है, इससे किसी को चोट भी नहीं पहुंचेगी और खेलने में मजा बहुत ज्यादा आएगा। और जो इसका डिजाइन है वो तो आप देख ही सकते हैं, बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है, बहुत ही प्यारा डिजाइन है। और इसके बाद गाइज मैं आपको दिखाता हूं, हमारे पास है रेड कलर का यो यो। जी हाँ गाइज, मेरे पास एक रेड कलर का मेटल क्वालिटी वाला यो यो है ना, जिसके अंदर देखो यहां पर धागा लगा हुआ है। इस धागे को अपनी फिंगर में डाल के आपको इसको चलाना होता है। मैं थोड़ा सा आपको चला के दिखाता हूं, आप में से किस किस को यो यो चलाना आता है कॉमेंट में जरूर बताना। आप देख सकते हैं इसका डिजाइन कितना अमेजिंग है, इसको आप नीचे फेंको और ऊपर खींचोगे ना तो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ आता है। तो चलाते हैं गाइज। और गाइज ये देखो, मैं इसको ना कई बार चलाने की कोशिश कर चुका हूं बट मैं ना अच्छे तरीके से नहीं चला पाता। ये देखो यहां से आपको धागा इसके अंदर लपेटना है कुछ इस तरह से, मैं आपको दोबारा करके दिखा रहा हूं। अगर आप में से किसी को यो यो चलाना है तो कॉमेंट में जरूर बताना गाइज है ना, और मुझे भी यो यो सीखना है। मैं काफी टाइम से कोशिश कर रहा हूं बट मैं ना इसको ज्यादा अच्छे तरीके से चला नहीं पाता हूं, एक बार दोबारा कोशिश करते हैं। ये देखो, और गाइज ये देखो, इस बार मैंने इसको ऊपर खींच लिया, मेरे हाथ में आ गया बट अच्छे तरीके से नहीं आ पाया गाइज है ना। तो काफी यूनिक टाइप का एक टॉय है जो कि आपको 100 रुपीज के आसपास मिल जाएगा। और इसके बाद गाइज ये देखो, हमारे पास एक रेड कलर की सुपर कार जो कि कुछ ऐसी दिखाई देती है। इसके गाइज आप टायर देखो कितने प्यारे प्यारे टायर हैं है ना, और पीछे से आप देख सकते हैं, साइड से आप देख सकते हैं, आगे से आप देख सकते हैं। रेड कलर की ये सुपर कार है जिसको धक्का मार के चलाया जाता है, इसको फर्श पे रखना है, इसको ऐसे धक्का मार के चलाया जाता है गाइज। ये देखो सबसे अमेजिंग बात है इसका रेड कलर जो कि बहुत ज्यादा सुपर लग रहा है, ये देखो है ना। और आप देख सकते हैं कितनी देर से इसका टायर घूम रहा है, अगर आप इसको फर्श पे चलाओगे ना बहुत देर तक चलेगी, यही इसकी सबसे ज्यादा स्पेशल बात है। और इसके बाद गाइज मैं आपको दिखाता हूं, हमारे पास है यहां पर ये देखो आयरन मैन वाला एक फेस मास्क। जी हाँ गाइज, आयरन मैन का फेस मास्क मेरे हाथ में, जिसके पीछे लगा हुआ यहां पर रबर बैंड। ये देखो यहां पर रबर बैंड लगा हुआ है, और इस रबर बैंड से आप इसको अपने फेस पर पहन सकते हैं। और गाइज अगर आपने आयरन मैन मूवी देखी तो आपको पता होगा कितना बढ़िया सुपर हीरो है। और गाइज ये देखो इसकी क्वालिटी देखो, इसको आप कितना भी मोड़ लो ये टूटेगा नहीं है ना, इसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा औसम है। 100 रुपीज में मुझे मिला ये, और 100 रुपीज के हिसाब से गाइज आयरन मैन वाला फेस मास्क आप देख सकते हैं, क्वालिटी बहुत औसम है ना। चेहरे पे लगाओगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा, और छोटे बच्चे जिनको आयरन मैन पसंद है उनको ये मास्क जरूर देना गाइज। और इसके बाद गाइज मैं आपको दिखाता हूं, हमारे पास है स्पाइडर मैन वाले पैटर्न में एक कलर पेंसिल। जी हाँ गाइज, इसके अंदर कलर पेंसिल है जो कि कुछ ऐसी दिखाई देगी, और ये सारी की सारी स्पाइडर मैन वाले पैटर्न में आती है। मैं ओपन करके आपको दिखाता हूं, ये देखो कुछ पेंसिल मैंने निकाल लिए बाहर, जिनके गाइज टिप देखो आप, पेंसिल की टिप देखो, बहुत ही प्यारी प्यारी कलरफुल पेंसिल की टिप है, और सभी के ऊपर ना स्पाइडरमैन का पैटर्न ना हुआ। ये देखो यहां पे स्पाइडरमैन लिखा भी हुआ है और सभी के ऊपर स्पाइडरमैन बना भी हुआ है, ये इसकी सबसे ज्यादा स्पेशल बात है। आपको स्पाइडरमैन वाले पैटर्न में बहुत सारी कलर पेंसिल देखने मिलती है, जिनको ड्रॉइंग करना पसंद है और स्पाइडरमैन थोड़ा भी पसंद है तो ये कलर पेंसिल उनके बहुत ज्यादा काम आएगी है ना। आप देख सकते हैं इसकी पैकिंग कितनी प्यारी है, पैकिंग के ऊपर भी स्पाइडरमैन लिखा हुआ है, स्पाइडरमैन बना हुआ है। और इसके बाद गाइज हमारे पास यहां पर एक और अमेजिंग टॉय, ये देखो एवेंजर्स वाला आयरन मैन वाला एक बहुत ही प्यारा शूटर टॉय है ना। ये देखो हैंड कफ शूटर विद ग्लव, मैं आपको दिखाता हूं गाइस ये है क्या एक्चुअल में। ये देखो यहां पर आप देख सकते हैं, ये एक्चुअल टॉय है जिसके अंदर से ऐसी डिस्क निकलती है जिसको शूट करके यूज किया जाता है। तो गाइस ये एवेंजर्स आयरन मैन वाले पैटर्न में आता है, जल्दी से पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ये देखो यहां से मैंने इसको ओपन किया तो पहले मैं इसके अंदर देखने मिलता है आयरन मैन का ग्लव्स और एक शूटिंग टॉय। ये देखो ये कुछ इस तरह का टॉय हमें देखने मिलता है जो कि काफी ज्यादा कूल है ना। अब इसका यूज कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले गाइज आपको ना ये ग्लव्स अपने हाथ में पहन लेने हैं, जिसके ऊपर आयरन मैन लिखा है, आयरन मैन बना भी हुआ है, बट मैं इसको अपने हाथ में नहीं पहन पाऊंगा क्योंकि ना मेरे बहुत छोटे साइज का ही, देखो मेरी उंगली का साइज आप देख सकते हैं और इसका साइज आप देख सकते हैं, ये काफी ज्यादा छोटा है, छोटे बच्चों के हाथ में आराम से आ जाएगा, मेरे हाथ में नहीं आएगा। बट इसको पहनने के बाद ना आपको इस टॉय को ऊपर पहनना होता है, तो मैं इसको यूज करके दिखाता हूं। देखो अब इसका यूज कैसे करेंगे, एक्चुअल में ये हमारा टॉय है, देखो ये है इसके अंदर डिस्क, ये देखो तीन डिस्क हमें इसके अंदर देखने मिलती है जो कि कुछ ऐसी दिखाई देती हैं, और ये डिस्क इसके अंदर आपको कुछ इस तरह से सेट करनी होती है गाइस। ये देखो आयरन मैन डिस्क है, यहां से इसको बंद करना है और जिसके नीचे लगा हुआ रबर बैंड, ये देखो यहां पे रबर बैंड लगा हुआ है, इसको आपको अपने हाथ में पहन लेना है। अब मैं आपको इसको यूज करके दिखाता हूं गाइस। ये देखो हाथ में पहन लिया है ना, यहां पर लीवर लगा हुआ है, इस लीवर को खींचते ना इसके अंदर यहां से डिस्क निकलती है यहां से। ये देखो 3 2 1 गो, ये देखो गाइस डिस्क निकल के बाहर निकल गई है, ये देखो यहां पे आ गई है ना। मैं आपको दोबारा चला के दिखाता हूं, ये देखो 3 2 1 गो, ये देखो एक डिस्क वहां पे चली गई नीचे, और इसको आपको ऐसे हिलाना है, और इसकी डिस्क वापस बाहर गिर गई है, मैं निकाल के देखो यहां पे लगाता हूं वापस। ये देखो अब मैं आपको अच्छे से इसको यूज करके दिखाता हूं, देखो 3 2 1 और ये गो, और गाइस ये चल नहीं रही है, अब चलेगी शायद 3 2 1 गो, ये देखो
है ना, बहुत ही प्यारे तरीके चलता है। तीन डिस्क मैंने आपको चला के दिखाई, एक और चला के दिखाया था, ये देखो जो कि यहां पर रखी है। डिस्क आपको ऐसे लगानी है और यहां से लीवर खींचना है, ये देखो 3 2 1 गो, ये देखो डिस्क निकल के बाहर चली गई है ना। तो कुछ इस तरह से टॉय वर्क करता है जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है। और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाता हूं, हमारे पास है स्पाइडरमैन वाला एक बहुत ही प्यारा स्टेशनरी सेट जिसके अंदर आपको काफी सारा आइटम देखने मिलने वाला है। और ये आप अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट में भी दे सकते हैं, अगर आपको स्पाइडरमैन थोड़ा भी पसंद है तो ये स्टेशनरी सेट आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। ये देखो 200 रुपीज के आसपास आपको मिल जाता है। और गाइस यहां से मैंने इसको ओपन किया तो इसके अंदर आपको स्पाइडरमैन वाली पिंक कलर की इरेजर, एक शार्पनर और स्पाइडरमैन पैटर्न वाले बहुत ही प्यारे वैक्स क्रियोन्स कलर देखने मिलते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो इसके अंदर आपको काफी सारे कलर्स देखने मिलेंगे जिनके ऊपर स्पाइडरमैन का पैटर्न बना हुआ जो कि वैक्स क्रियोन्स कलर है। और यहां पे आपको स्पाइडरमैन वाली दो दो पेंसिल देखने मिलती है जिनके ऊपर स्पाइडरमैन लिखा भी हुआ है। और यहां पे एक प्यारा सा स्केल देखने मिलता है ना। और स्केल की सबसे अमेजिंग बात, यहां से आप कर्व लाइन खींच सकते हैं, यहां से आप स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं और क्वालिटी भी बहुत औसम है ना। और इसी पूरे सेट के अंदर आपको देखने मिलेगा यहां पे स्पाइडरमैन वाला एक ज्योमेट्री बॉक्स, ये देखो है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर स्पाइडरमैन का कितना प्यारा पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे ABCD लिखी हुई है, 1 से 9 तक टेबल लिखा हुआ है। यहां से ओपन करेंगे तो गाइस ये देखो इसके अंदर आपको काफी स्पेस देखने मिलता है। इसके अंदर आप इस स्टेशनरी का सारा सामान रख सकते हैं, जो भी सामान आपको इसके अंदर मिलता है ना ये सारा सामान इसके अंदर आराम से आ जाएगा है ना। आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको एक ज्योमेट्री बॉक्स, इरेजर, शार्पनर, वैक्स क्रियोन्स कलर, स्केल और दो पेंसिल देखने मिलती है। सभी की क्वालिटी बहुत ज्यादा उत्तम होती है। और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाता हूं हमारे पास यहां पर एक, ये देखो प्यारी सी एक गाड़ी जो कि कुछ ऐसी दिखाई देती है। इसके टायर आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से घूमते हैं है ना। बट इसका डिजाइन तो गाड़ी जैसा है लेकिन ये गाड़ी नहीं है, ये है एक पेन। देखो यहां से इसका बटन दबाएंगे ना तो आगे से इसकी टिप बाहर आ जाती है गाइस, ये देखो कार वाले डिजाइन वाला ये पेन है जो कि देखने में कार जैसा बट गाइस ये पेन है। यहां से आप इसको ऐसे पकड़ के लिखने के लिए यूज कर सकते हैं और फर्श पे आप इसको चला भी सकते हैं। देखो इसके आगे पीछे सारे टायर अच्छे तरीके से वर्क करते हैं है ना। अगर आपको ये पेन पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और इसके बाद गाइस हमारे पास है यहां पर स्पाइडरमैन वाले डिजाइन वाला एक अमेजिंग सा पेंसिल पाउच है ना। इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। सबसे पहले आप इसकी पैकिंग देख सकते हैं कैसी इसकी पैकिंग है। यहां से इसको ओपन करेंगे तो गाइस ये देखो हमें इसके अंदर देखने को मिलता है ये पाउच जिसके ऊपर बना है स्पाइडरमैन का पैटर्न है ना। सबसे अमेजिंग बात है यहां पे स्पाइडरमैन भी बना हुआ है गाइस, ये देखो रबर फॉर्म में स्पाइडरमैन है जिसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा उस समय। यहां पर भी स्पाइडरमैन का पैटर्न बना हुआ है, एक चैन यहां पर है, एक चैन यहां पर है। इसको ओपन करके आपको दिखाता हूं, ये देखो यहां से ओपन करेंगे तो गाइस ये देखो इसके अंदर फॉर्म डली हुई है। इसके अंदर आप छोटे साइज की चीज जैसे कि शार्पनर, इरेजर वगैरह रख सकते हैं और यहां से ओपन करेंगे तो इसके अंदर आप बड़े साइज की चीजें रख सकते हैं। इसको भी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं गाइस, ये देखो इसके अंदर काफी बड़ी फॉर्म है ना, यानी कि इसके अंदर स्पेस बहुत ज्यादा है गाइस। ये देखो इसके अंदर भी आप काफी ज्यादा क्वांटिटी में सामान रख सकते हैं। और यहां से बंद करने के बाद गाइस ये देखो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है स्पाइडरमैन वाले पैटर्न में, बहुत ही प्यारा ये पेंसिल पाउच है जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। और हमारे पास है सुपरमैन वाले डिजाइन में एक अमेजिंग सा पाउच, मेटल क्वालिटी का पाउच है। यहां से पकड़ के आप इसको ऐसे लटका सकते हैं और सबसे अमेजिंग बात इसके अंदर आप छोटे साइज की चीजें रख सकते हैं जैसे कि शार्पनर, इरेजर, पैसे वगैरह है ना। 50 रुपीज में आपको मिल जाएगा लेकिन जो इसके ऊपर सुपरमैन का लोगो बना हुआ है ये बहुत ज्यादा कूल लगता है गाइस, ये देखो मुझे तो गाइस ये बहुत ज्यादा पसंद है। और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाता हूं हमारे पास ये देखो एक छोटी सी इरेजर जो कि स्ट्रॉबेरी वाले डिजाइन में आती है। यहां से आपको इसको पेंसिल के ऊपर लगाना है और गाइस ये इरेजर आपकी इरेज करने के लिए तैयार है। इसे आप किसी भी एंगल से पकड़ के इरेज कर सकते हैं। जो इस तरह की इरेजर होती है देखने में तो क्यूट होती है, इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा कम होता है। ये आपको मिल जाएगी मात्र 10 रुपीज में। जी हाँ गाइस 10 रुपीज में आपको ये इरेजर आराम से मिल जाएगी। और भी ऐसी इरेजर है वही मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद गाइस हम मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो हमारे पास यहां पर एक बड़ा सा पेंसिल, ये देखो जो कि MC क्वीन वाले कार्टून डिजाइन में आता है। देखो यहां पे कार वाला डिजाइन बना हुआ है और आप इसका डिजाइन देख सकते हैं, पेंसिल कितनी ज्यादा बड़ी है। यहां से इसको पकड़ के ऐसे देखोगे ना तो ऐसा लग रहा है लिखने वाली बड़ी पेंसिल है, बट गाइस ये लिखने वाली पेंसिल नहीं है, ये है एक पेंसिल बॉक्स जिसको आप ज्योमेट्री बॉक्स की तरह भी यूज कर सकते हो। यहां से इसको ओपन करेंगे तो गाइस ये देखो इसके अंदर आपको स्पेस देखने मिलता है और इसके अंदर जो स्पेस है ना वो काफी ज्यादा है। ये देखो मैं इसके अंदर डाल रहा हूं, ये देखो कितना लंबा इसके अंदर, मतलब ये जितना इतना गहराई तक ये चला गया देखो है ना। तो काफी ज्यादा स्पेस आपको इसके अंदर देखने मिलता है, इसके अंदर आप काफी ज्यादा क्वांटिटी में सामान रख सकते हैं। और ये पेंसिल वाले डिजाइन में ज्योमेट्री बॉक्स है ना, जो कि काफी ज्यादा कूल है। और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाता हूं हमारे पास यहां पर 10 रुपीज का एक टॉय जो कि एक बहुत ही प्यारी पीपनी, इसको भोंपू या पीपनी कुछ भी कह सकते हैं। इसके अंदर से बहुत ही प्यारा साउंड आता है, देखो यहां पे इसके अंदर पीपनी लगी होती है, इसको सीटी भी कहा जाता है। मैं आपको ना इसका साउंड सुनाता हूं, 10 रुपीज के हिसाब से बहुत अमेजिंग चीज है।
सो गाइस आप सुन सकते हैं इसके अंदर से ना बहुत यूनिक टाइप के साउंड आप क्रिएट कर सकते हैं, है ना। बहुत ही प्यारा सा ये टॉय है, 10 रुपए के हिसाब से ना गाइस, ये बहुत ही अमेजिंग टॉय है। और ना ये प्रैंक टॉय भी है, आप लोगों को इससे परेशान भी कर सकते हैं। और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाता हूं, हमारे पास यहाँ पर एक प्यारा सा कोका कोला वाले डिजाइन वाला एक मल्टी कलर पेन। ये देखो यहाँ पे कोका कोला का कैन लगा हुआ है, यहाँ पे स्ट्रॉ लगा हुआ है, और ये पूरा एक मल्टी कलर पेन है जिसके अंदर आपको 10 से भी ज्यादा कलर देखने को मिलते हैं, है ना। और ये सारे कलर अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। मैं देखो पेन ना थोड़ा बिगड़ गया, मैं इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। ये देखो इसके अंदर आपको 10 कलर देखने मिलते हैं, और सारे के सारे 10 कलर अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। यहां से आपको ऐसे इसको ऑन करना है, यहां से इसकी टिप बाहर आ जाएगी, और यहां से आप इसको ऐसे लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। और सबसे अमेजिंग बात इसकी क्या है, ये आपको 50 रुपीज में मिल जाएगा। 50 रुपीज में एक पेन के अंदर आपको 10 कलर देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद गाइस हमारे पास है यहां पर एक स्पाइडर मैन वाला ड्रम टॉय। ये देखो मेरे पास एक स्पाइडर मैन का टॉय है जो कि ड्रम बजाता है। देखो यहां पे लगा हुआ ड्रम, यहां पे इसके हाथ में देखो ड्रम बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट है, और यहां से चाबी घुमानी पड़ती है गाइस। ये देखो ऐसे चाबी घुमाने के बाद कुछ इस तरह से ड्रम बजाता है गाइस। ये देखो कितना प्यारा साउंड आ रहा है, साउंड भी आप सुन सकते हैं। ये देखो है ना स्पाइडर मैन वाले पैटर्न में इससे प्यारा टॉय कुछ नहीं हो सकता गाइस। ये आपको 100 रुपीज से भी कम में मिल जाएगा, और जो न्यू बॉर्न बेबी है ना छोटे बच्चे उनके खेलने के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग टॉय है। तो इसको मैं रख लेता हूँ साइड में। और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाता हूं हमारे पास है रेड कलर का एक मैजिक कप। जी हाँ गाइस एक मैजिक कप मेरे हाथ में है ना। अभी मैजिक कप क्यों है मैं आपको बताता हूं। देखो इसकी पहले आप शेप देखो, देखने में बिल्कुल नॉर्मल सा कुछ है, लेकिन जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो यहां पे आपको एक यूनिक सा पैटर्न देखने मिलता है, और जैसे ही आप इसको उल्टा करोगे तो गाइस ये बन जाएगा एक ग्लास। ये देखो जिसके अंदर आप चाय दूध कॉफी कुछ भी पी सकते हैं, इसलिए इसको मैजिक कप कहा जाता है। वैसे तो इसको मैजिक ग्लास कहना चाहिए, लेकिन इसको मैजिक कप कहा जाता है। देखो यहां पे लिखा भी हुआ है मैजिक कप, है ना। ऐसे इसको ओपन करना है, ऐसे उल्टा करते ये ग्लास बन जाता है गाइस। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, पूरा ट्रांसपेरेंट है और देखने में बहुत अट्रैक्टिव है। और सबसे अमेजिंग बात इसको आप अपनी पॉकेट में रख के कहीं पर भी ले जा सकते हैं। और इसके बाद गाइस हमारे पास एक और मल्टी कलर पेन है गाइस। ये देखो है ना इसके ऊपर यहाँ पे बहुत ही प्यारा पैटर्न बना हुआ है जो कि आप देख सकते हैं, जो कि इसको बहुत ही प्रीमियम पेन बना देता है। बहुत ही प्यारी साइन है। इस मल्टी कलर पेन में आपको 6 कलर देखने मिलते हैं। देखो पैरट ग्रीन, रेड, स्काई ब्लू, पर्पल, ऑरेंज और ब्लैक, है ना। और इसका डिजाइन आप देख सकते हैं कितना क्यूट है। गर्ल्स को ये पेन बहुत ज्यादा पसंद आएगा, इसके ऊपर जो पैटर्न बना हुआ है ना ये गर्ल्स के लिए बना हुआ है ना। और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाता हूं हमारे पास यहाँ पे एक और रेड कलर की सुपर कार है गाइस। ये देखो कितनी ज्यादा अमेजिंग लग रही है। इसके टायर देखो, ऐसी कार मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी दिखाई थी, बट गाइस इसके टायर देखो और भी ज्यादा अच्छे हैं। इसका साइज भी बड़ा है ना। और इसको अगर आप चलाना चाहते हैं इसको भी आपको धक्का मार के चलाना पड़ेगा गाइस। ये देखो है ना, बट इसका जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा कूल है। करोड़ों रुपए की जो सुपर कार्स होती है ना वैसा इसका डिजाइन है। और ये टॉय आपको मिल जाएगा 100 से 150 रुपीज के बीच में। और हमारे पास यहाँ पर एक प्यारा सा चाबी का छल्ला जो कि यूनिकॉर्न वाले डिजाइन में आता है। देखो यहाँ पे लिखा है फ्रूट, यहाँ पे यूनिकॉर्न बना हुआ है, और यहाँ पर एक प्यारा यूनिकॉर्न बना हुआ है गाइस। देखो जो कि स्ट्रॉबेरी के ऊपर चिपका हुआ है ना। और कुछ इस तरह का ये चाबी का छल्ला कंप्लीटली दिखाई देगा, है ना, जिसके अंदर यहाँ पे आपको एक घुंघरू देखने को मिलता है, यहाँ पे एक हुक देखने को मिलता है जिससे आप अपनी पैंट में लटका सकते हैं, और यहाँ पे आप इसके अंदर चाबी लगा सकते हैं गाइस। ये देखो पूरा ये चाबी का छल्ला कुछ ऐसा दिखाई देगा। 100 रुपीज में मुझे मिला है यूनिकॉर्न वाले डिजाइन में, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। और इसके बाद गाइज हमारे पास यहाँ पर एक प्यारी सी एम्बुलेंस। सबसे पहले इसकी आंखें बनी हुई है गाइज, यहाँ पे देखो फ्रंट से आप देख सकते हैं आंखें बनी हुई है, साइड से आप देख सकते हैं देखो प्लस का लोगो बना हुआ है एम्बुलेंस वाला, और कुछ ऐसा ये दिखाई देता है। बट ये बहुत यूनिक टाइप का टॉय है। यूनिक टाइप का क्यों है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे इसके ऊपर ये लगा हुआ है ना, इसको ऐसे दबाने पे चलता है गाइज। ये देखो है ना, आपने बहुत गाड़ियां देखेंगे बट ऐसे चलने वाली गाड़ी आपको बहुत ही कम देखने मिलेगी। इसको आपको फर्श पे रखना है, इसको आपको ऐसे दबाना है और छोड़ देना है ना, ऑटोमेटिकली ये आगे की तरफ भागने लग जाएगी। ये देखो बहुत ही प्यारा, बहुत ही यूनिक टाइप का टॉय है। और हमारे पास यहाँ पर एक कार वाले डिजाइन वाला शार्पनर। जी हाँ गाइज इसका डिजाइन देखो, सामने से आप देख सकते हैं इसकी आईज बनी हुई है, और ये एक शार्पनर है। यहां से ओपन करोगे ना, ये देखो इसके अंदर लगा हुआ है शार्पनर, और मैं आपको बता दूं पीछे से यहां से पेंसिल डाल के आप पेंसिल शार्प कर सकते हैं। और इसका डिजाइन देख सकते हैं कितना ज्यादा क्यूट है। और हमारे पास है गाइस ये देखो एक बहुत ही प्यारा कुछ इस रखा एमसी क्वीन वाले डिजाइन वाला एक कार ज्योमेट्री बॉक्स। ये देखो सामने से आप देखो तो कार जैसा लगेगा। ये देखो यहाँ पे इसको पूरा पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे आईज बनी हुई है, यहाँ पे एमसी क्वीन का पूरा कार्टून कैरेक्टर बना हुआ है, और साइड से देखोगे तो यहाँ पर टायर बने हुए हैं।
मेटल क्वालिटी में आता है, लोहे की ये ज्योमेट्री बॉक्स है जो कि कार डिजाइन में आती है। यहां से ओपन करेंगे तो गाइस ये देखो इसके अंदर आपको सामान भी देखने मिलता है, देखो एमसी क्वीन वाला इसके अंदर स्केल शार्पनर इरेजर आपको देखने मिलेगा, एक पेंसिल आपको देखने को मिलेगी और यहां पे देखो 1 से 9 तक टेबल लिखा जो कि आपको स्टडी में हेल्प करेगा। और यहां से हटाओगे तो इसके नीचे भी आपको स्पेस देखने मिलेगा, यहां पर भी आप सामान रख सकते हैं। और यहां से बंद करने के बाद ये देखो ये ट्रे है ना, इसको यहाँ पे लगा देता हूँ जिसके बाद गाइस ये बन जाएगा बहुत ही प्यारा एक कार डिजाइन वाला ज्योमेट्री बॉक्स है ना। ये आपको 200 रुपीज के आसपास मिल जाएगा डिजाइन के हिसाब से गाइस, ये पैसा वसूल चीज है। और हमारे पास है गाइस ये देखो स्पाइडरमैन वाले डिजाइन में एक अमेजिंग सा वॉच। जी हाँ गाइस ये घड़ी मेरे पास है जो कि स्पाइडरमैन वाले डिजाइन में आती है, हाथ में पहनेंगे तो ये कुछ ऐसी दिखाई देगी। यहां पर स्पाइडरमैन का पैटर्न बना हुआ है और देखो इसके पट्टे के ऊपर भी दोनों साइड स्पाइडरमैन बना हुआ है और ओवरऑल ये वॉच कुछ ऐसी दिखाई देती है। ये देखो है ना यहां पे जो स्पाइडरमैन बना हुआ है ना ये बहुत ज्यादा कूल लगता है। 100 रुपीज की ये वॉच है। यहां से ओपन करेंगे तो गाइस ये देखो 6:52 इसके अंदर हो रखे हैं। यहां से बटन दबा के आप टाइम सेट कर सकते हैं और इस वाले बटन को दबाने पर गाइस ये देखो बहुत ही प्यारा म्यूजिक आता है और लाइट जलती है और ये म्यूजिक और लाइट ना अंधेरे में बहुत ज्यादा कूल लगेगी गाइस ये देखो है ना, जो कि आपको अंधेरे में टाइम देखने में हेल्प करेगी। सबसे अमेजिंग बात है यहाँ पे जो स्पाइडरमैन का पैटर्न बना हुआ है ये बहुत ज्यादा कूल लगता है, हाथ में पहनोगे ना आपको मजा आ जाएगा। और इसके बाद गाइस हमारे पास है यहाँ पर ये देखो बेंटेन वाले डिजाइन में रेड कलर का एक पाउच जो कि मुझे मिला मात्र 20 रुपीज में। जी हाँ गाइस 20 रुपीज इसका प्राइस है। इसको मैं देखो यहां से इसके अंदर ना पन्नी लगी हुई है, इसको मैंने निकाल लिया बाहर। और गाइस ये देखो इसको आप ज्योमेट्री बॉक्स की तरह यूज कर सकते हो, इसके अंदर पेन पेंसिल शार्पनर इरेजर वगैरह सब कुछ आ जाएगा। देखो 20 रुपीज में कितना प्यारा ये पाउच है जिसके ऊपर यहाँ पे बेन 10 का लोगो बना हुआ है पूरा का पूरा। और इसके बाद गाइस ये देखो हमारे पास एक क्रैब यानी कि केकड़े वाले डिजाइन वाली इरेजर, ये देखो यहाँ पे केकड़ा बना हुआ है जो कि एक्चुअल में एक इरेजर है। ये देखो है ना किसी भी एंगल से पकड़ के आप इसको पेंसिल का लिखा हुआ इरेज कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पर एक प्यारा सा चाबी का छल्ला जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। देखो यहाँ पे प्यारी सी डॉल बनी हुई है, डॉल की ड्रेस देखो आप कितनी ज्यादा अमेजिंग है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा लव है ना, ये प्यारा सा चाबी का छल्ला जो कि आपको 100 रुपीज में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं इसका डिजाइन और कलर कितना ज्यादा अमेजिंग है। यहां से आप इसको अपनी पैंट में लटका सकते हैं, यहाँ पे इसके अंदर चाबी लगा सकते हैं। ओवरऑल आप देख सकते हैं कितना ही ज्यादा क्यूट लग रहा है। जो उसके ऊपर ये डॉल बनी हुई ना ये मुझे बहुत ज्यादा प्यारी लगी गाइस, 100 रुपीज में आपको मिल जाएगा। और हमारे पास यहां पर एक प्यारा सा देखो पजल टॉय। अब ये पजल टॉय क्या है मैं आपको दिखाता हूं। देखो सबसे पहले ना आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, उसके बाद ना आप इसको बहुत सारे अलग अलग डिजाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि मैं आपको दिखा देता हूं गाइस। ये देखो है ना, ये देखो यहां से मैंने इससे एस बना दिया है। इसी तरह से आप इसको घुमा घुमा के ना इससे बहुत सारे डिजाइन बना सकते हैं जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है। और सबसे अमेजिंग बात ना जब आप इसको यूज करोगे आप इससे बोर नहीं होगे। ये देखो मैंने इसको घुमा घुमा के किस तरह की शेप में कन्वर्ट कर दिया है ना, बहुत ही प्यारा बहुत ही यूनिक टाइप का ये पजल है जो कि मुझे 250 रुपीज का मिला है। और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखा दूं हमारे पास यहां पर एक प्यारी सी वॉच। ये देखो छोटी सी वॉच है जो कि आपको 100 रुपीज से कम में मिल जाएगी, बेन 10 वाले कार्टून पैटर्न में आती है। देखो बेन 10 लिखा हुआ है, यहां पे बेन 10 बना हुआ है। और ये वॉच कुछ ऐसी लगेगी हाथ में पहनने के बाद, इसका पट्टा देखो रेड कलर में कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है। और इसका डायल भी आप देख सकते हैं, डायल के अंदर बेन 10 बना है, बेन 10 लिखा भी हुआ है गाइस। ये देखो है ना 100 रुपीज से कम की वॉच है जो कि काफी प्यारी है। और हमारे पास है स्पाइडरमैन वाले पैटर्न में एक और अमेजिंग ज्योमेट्री बॉक्स, प्लास्टिक क्वालिटी में आता है। यहां से ओपन करेंगे तो गाइस ये देखो यहां पर पेन पेंसिल कलर होल्डर है। यहां से ओपन करेंगे तो गाइस देखो इसके अंदर पेंसिल है, स्केल है, शार्पनर है और जो स्केल है ना उसके ऊपर स्पाइडरमैन का पैटर्न बना हुआ है। यहां पे आप इसके ऊपर टाइम टेबल भी लिख सकते हैं, यहां पे आपको स्टिकर भी देखने को मिलता है गाइस ये देखो है ना। और यहां से ट्रे लगाने के बाद जब हम इसको बंद करते हैं तो गाइस जो यहां पे स्पाइडरमैन का पैटर्न बना हुआ है ये देखो कितना ज्यादा कूल लगता है, बहुत ही प्यारा ज्योमेट्री बॉक्स है। और हमारे पास एक और कार डिजाइन वाला ज्योमेट्री बॉक्स, ये देखो यहाँ पे इसके नीचे देखो कार के टायर भी लगे हुए हैं जो कि बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, घूम भी सकते हैं और सामने से आप देखोगे ना बिल्कुल कार जैसा लगता है गाइस ये देखो। बट गाइस ये एक ज्योमेट्री बॉक्स है जो कि प्लास्टिक क्वालिटी में आता है। यहां से ओपन करोगे तो गाइस ये देखो यहाँ पे पेन पेंसिल कलर होल्डर है। यहां से ओपन करोगे तो इसके नीचे भी आपको स्पेस देखने मिलता है, यहां पर भी आप सामान रख सकते हैं। ओवरऑल ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। और हमारे पास है प्यारा सा एक लाइट वाला स्प्रिंग टॉय, ये देखो है ना इसको आप ऐसे खींच के ना लंबा कर सकते हैं गाइस ये देखो। और लंबा करने के बाद ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, स्क्रीन से भी बाहर चला जाएगा। लेकिन सबसे अमेजिंग बात क्या है इसकी, देखो पहले मैं इसको पूरा वापस से जोड़ लेता हूं। ये देखो यहां से मैंने इसको जोड़ दिया, यहां पे इसको ओपन करने के बाद ना इसके अंदर लाइट जलती है। देखो यहां पे इसके ऊपर बटन है, बटन दबाता हूं, ये देखो बटन दबाते इसके अंदर लाइट जलती है जो कि अंधेरे में बहुत ज्यादा कूल लगती है ना। इसके अंदर 3 मोड है, देखो पहला मोड तो ये लाइट ब्लिंक हो रही है, दूसरा मोड ये है जिसमें लाइट धीरे धीरे ब्लिंक होती है और तीसरे मोड में लाइट ब्लिंक नहीं होती है गाइस ये देखो है ना। इसके अंदर देखो वायर आपको दिखाई दे रही होगी, कुछ इस तरह से वर्क करता है। देखो 1 2
और ये तीन लाइट ब्लिंक होनी बंद हो गई है ना। बहुत ही प्यारा, बहुत ही यूनिक टाइप का ये टॉय है। और हमारे पास यहाँ पर एक प्यारा सा फायर एक्सटिंगर वाले डिजाइन वाला एक शार्पनर, ये देखो यहाँ पे इसके अंदर लगा हुआ है शार्पनर, और यहां से पेंसिल डाल के पेंसिल शार्प कर सकते हैं। और हमारे पास है देखो डॉक्टर का बॉक्स होता ना उस वाले डिजाइन वाली एक इरेजर है। और हमारे पास यहाँ पर एक स्टडी प्लानर वाला रेड कलर का पाउच, देखो यहाँ पे BT21 कार्टून का डिजाइन बना हुआ है, कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। यहां से आप इसको ऐसे लटका सकते हैं, यहां से ओपन करेंगे तो गाइस ये देखो इसके अंदर आप छोटे साइज का सामान रख सकते हैं है ना, जैसे कि शार्पनर, इरेजर, पैसे वगैरह। और हमारे पास यहाँ पर एक प्यारा सा कुछ इस तरह का रेड कलर का फिडजेट स्पिनर, जो कि कैप्टन अमेरिका वाले डिजाइन में आता है। देखो यहां से मैंने इसको घुमाया तो आपको दिखेगा नहीं घूम रहा है, बट गाइस जैसे मैं इसको घुमाऊंगा तो गाइस ये देखो दूसरी साइड से बहुत ही प्यारा लगता है। गाइस ये देखो एक साइड से तो नॉर्मल सा है, बट दूसरी साइड से गाइस ये देखो कुछ इस तरह का ये दिखाई देता है। बहुत ही प्यारा फिडजेट स्पिनर है, जो कि कैप्टन अमेरिका वाले डिजाइन में आता है। गाइस ये देखो है ना, अगर आपको फिडजेट स्पिनर चलाना पसंद है तो ये आपको 200 रुपीज के आसपास मिल जाएगा। और हमारे पास है आयरन मैन वाला एक प्यारा सा वॉच, ये देखो है ना 100 रुपीज की वॉच है। यहां पर आप टाइम देख सकते हैं, यहां से आप टाइम सेट कर सकते हैं, और यहां से ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको गेम देखने मिलता है। यहां पे लीवर लगा हुआ है जिसको ऐसे खींचने पे इसके अंदर आप देखो गेम खेल सकते हैं। इसके अंदर आपको इक्वल नंबर लाने होते हैं, अगर आप इक्वल नंबर लिया गया तो आप जीत जाओगे, जैसे कि बार 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 है ना। यहां पे देखो इक्वल नंबर आ गए, कुछ इस तरह से वर्क करता है ये देखो है ना। बहुत ही प्यारा ये वॉच है, आयरन मैन वाले डिजाइन में आता है। और हमारे पास एवेंजर्स वाली एक प्यारी सी वॉच और है गाइस ये देखो है ना, जो कि एक प्रोजेक्टर वॉच है जिसके अंदर से आप 24 कैरेक्टर देख सकते हैं। यहाँ पे एवेंजर्स का लोगो बना हुआ है, ये सारे के सारे एवेंजर्स वाले कैरेक्टर आप इस वॉच के अंदर से देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कैसे, देखो पहले हमें इसको यहां से ओपन करना पड़ेगा, इसके पीछे ना बैटरी का स्ट्रैप लगा होता है, उसको आपको निकालना पड़ेगा। और यहां से आप देख सकते हैं सामने एवेंजर्स का लोगो बना हुआ है, यहां से बटन दबाने पर इसका प्रोजेक्टर वर्क करता है है ना। आई थिंक इसकी बैटरी डाउन है, देखो इसके अंदर लाइट तो जल रही है बट बहुत ही कम लाइट जल रही है, आई थिंक इसकी बैटरी डाउन हो गई है। हाथ में पहनने पे ये एवेंजर्स वाली वॉच कुछ ऐसी दिखाई देगी। और सबसे अमेजिंग बात, ये आपको 100 रुपीज में मिल जाती है, जो कि बहुत अमेजिंग लगती है। और हमारे पास है स्पाइडर मैन वाली एक और ज्योमेट्री बॉक्स, फुल प्लास्टिक में आता है, इसके ऊपर जो स्पाइडर मैन का पैटर्न बना वो देखो कितना ज्यादा कूल लग रहा है ये देखो है ना। और यहां से ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको काफी सारे कंपार्टमेंट देखने मिलते हैं। यहां पे आप अपना टाइम टेबल लिख सकते हैं, स्टिकर है, यहां पर आप सामान रख सकते हैं, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी काफी सारा सामान आप इसके अंदर रख सकते हैं। काफी प्यारे प्यारे कंपार्टमेंट बने हुए। और लास्ट में हमारे पास एक आयरन मैन वाली एक रोबोट वॉच है ना, ये देखो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। ये वॉच आपको मिल जाएगी 500 रुपीज के आसपास, मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूं। ये देखो यहां पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर आयरन मैन लिखा हुआ है ना। यहां पे आप देख सकते हैं इसके हैंड कैसे दिखाई दे रहे हैं, देखने में रोबोट जैसा है बट गाइस ये एक वॉच है। यहां से ओपन करके यहां पे आप इसके अंदर टाइम देख सकते हैं, 5:16 हो गए। यहां पर बटन दबाने पे इसके अंदर लाइट जलती है, और आप इसको ना यहां से वॉच बना सकते हैं गाइस ये देखो। यहां से आपको इसके हाथ जोड़ने हैं, यहां से आपको इसके पैर जोड़ने हैं, और ऐसे करने के बाद ये वॉच बन जाती है जिसको आप अपने हाथ में पहन सकते हैं। और बाद में आप इसको दोबारा से रोबोट बना सकते हैं गाइस ये देखो। इसको आप स्टैंड भी कर सकते हैं, इसके पैर खुल जाते हैं नीचे से गाइस ये देखो, यहां से इसके पैर ओपन हो जाते हैं, जिसके बाद आप इसको स्टैंड भी कर सकते हैं। और ओवरऑल ये कुछ ऐसी दिखाई देती है ना, आयरन मैन वाली रोबोट वॉच है, जो कि काफी ज्यादा कूल है। सो गाइस आप देख सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको रेड कलर के बहुत सारे टॉय दिखाए हैं। एक भी आइटम पसंद आया उसका नाम कमेंट में बताना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं लगातार आपके लिए बनाता रहता हूं। सो गाइस मिलते हैं वीडियो में अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय गाइस।